गाइज कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज अपनी गेहूँ निकालने वाली मशीन आ रखी है, जॉन डियर कंपनी की मशीन है। बहुत अच्छे गेहूँ निकालती बताए सब ने, तो इसलिए आपको भी दिखाते हैं। खेत में लगी हुई है। ओ भाई चेक करो, ये लगी हुई अपने खेत में मशीन। अभी उधर ही जाएंगे, ट्रैक्टर अपना खड़ा है, इसमें गेहूँ डाल देगी वो। अभी खेत में ही जाएंगे, जो पेड़ के नीचे जो गेहूँ बचेंगे उसको काटेंगे, मशीन भी दिखाएंगे नज़दीक तो से। भाई अपने गेहूँ ट्रैक्टर में डाल दिए हैं, क्या मस्त दिख रहे हैं गेहूँ, साफ हैं बिल्कुल। मशीन ये रही खेत में, देखते रहिए आप। ये अपना ट्रैक्टर, इसको खड़ा कर देंगे आगे ले जाके, फिर से एक बार और डाल देंगे। फिर ये जो ट्राली है कंप्लीट भर जाएगी, देख लो भाई मशीन, कंबाइन मशीन। एक बार इससे पहले निकलवाए थे अपने जो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, ग्वार और मूंग, बहुत अच्छे निकाले थे। अब की बार गेहूं के लिए इसलिए बुलाई है मशीन। जॉन डियर कंपनी की है ये कोई ऐसे नहीं है कि जो नॉर्मल कंबाइन मशीन रहती है ना पंजाब वाले, वो वाले नहीं है। ये है कंपनी की, जॉन डियर की। मस्त तरीके से निकाल रही है, पीछे भूसा छोड़ रही है, इसके बाद में तूड़ी बन जाएगी भैंसों के लिए, चारा सूखी। भाई पीछे बहुत गर्दा है इसके, बहुत सारा मुंह प्यारा है। ये देख लो भाई गेहूँ, ऐसी क्वालिटी की गेहूँ है, सही बढ़िया साफ है बिल्कुल। लो भाई आखिरी फेर में लगी हुई है मशीन, बस अपने गेहूँ निकल जाएंगे। आपको गेहूँ दिखाएंगे घर के अंदर है, ये चौक के अंदर कितने हैं गेहूँ। एक बार थोड़ा आराम करते हैं, अभी गेहूँ काट के आए मेरे पापा और मेरी माँ, तो अभी खेत में ही है। पापा ट्रैक्टर लेके गए हैं, मेरी माँ आ रही है अभी गेहूँ काट के थोड़े। और ये फिनिश, लो भाई काम बन गया। ये लो भाई देख लो, गेहूँ को काटने के बाद ऐसा भूसा बच गया, इसकी तूड़ी बनेगी जो भैंसों का चारा बनेगा, ऐसा कुछ सिस्टम होता है। खेत में ऐसे ही लगा है, मतलब गेहूँ काटे ही ना हो ऐसे, अभी तूड़ी बनने के बाद ऐसा हो जाएगा खेत। ये दिस इज़ द डिफरेंस, यहाँ से यह ऐसा। बाकी इधर सब कंबाइन के गेहूँ हैं निकले हुए, कंबाइन से निकलवाए, और तूड़ी अलग मशीन से बनेगी, ट्रैक्टर के साथ जुड़ के जो चलेगी उससे बनेगी। बाकी तो अब मौसम का व्यू चेक कर सकते हैं कैसा है, सनसेट तो हो गया, बाकी देखो कितना भयंकर तगड़ा मौसम हो रखा है गाइस। देखिए देखिए देखिए, एकदम तबाही सीन है। और बाकी आप देख सकते हैं गेहूं कटने के बाद भी ऐसा सब खाली खाली हो गया, सब चारों तरफ सभी खेत खाली बिल्कुल, ये भी खाली हैं उधर घर तक, सब जगह सब खाली हो गया। अपने तो इधर सरसों बची है निकालनी, और ये पास वाले खेत में भी सरसों निकालनी बची हुई है। नोजल पाइप सब निकाल के सब बाहर, जो भी कुछ भी एक्स्ट्रा आइटम थे जो सब बाहर निकाल के रख दिए। ऐसा कुछ है। तो गाइस मौसम का व्यू चेक करें भाई, क्या मौसम, अब एकदम से खाली खेत हैं। 15-20 दिन के बाद बिल्कुल ऐसे थोड़ा हरा हरा होने लग जाएगा, कुछ इसमें कपास बो दी जाएगी कुछ जगह में, और कहीं
भैंसों के लिए चारा ज्वार और कोई बाजरा बुजरा सब। पूरा खेत खाली हुआ है सारा अपना, इधर से कंप्लीट वहां तक अपना ही अपना ही। मैं तो अभी एक बार वो खेत में कुछ कल भूल गए थे कुछ, यहाँ पे एक वो चाय की गिलासी कॉपी कुछ आइटम लेके आया था मैं, वो यहीं पे रह गया, मेरे को कल याद नहीं रहा इसलिए रह कुछ। अरे बाहर क्या मौसम लग रहा है पीछे, खतरनाक, कैमरे में भी कैच नहीं हो रहा है, ऐसा मस्त मौसम। तो भाई आज का व्लॉग नई जगह पे एंड करेंगे हम, यहाँ पे खेत में, क्योंकि बहुत ही तगड़ा मौसम हो रखा है, अच्छी वाइब आ रही है आज। तो व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।